बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी आज का रेसिपी है साबूदाना के रोल, साबूदाना के वेज चिरीजी रोल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेम्पटिंग है, देखने में, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं डॉली आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल डॉली लाइफस्टाइल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को नई पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। एक कटोरी साबूदाना से आज हम बनाएंगे साबूदाना रोल, वेजी चीज़ रोल है ये, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर साबूदाने को ले लिया है, इसमें पानी डाल के हम इसे एक बार अच्छी तरह से धुल लेंगे सारे पानी को निकाल के। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। तो जब तक हमारा साबूदाना अच्छे से फूल रहा है तब तक हम यहाँ पे ले लेंगे एक पैन और इसमें हम डाल देंगे करीब आधी कटोरी सेमदाना मूंगफली। इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, हल्का गोल्डन कलर होने के बाद इसे हम ठंडा करके इसका पाउडर हम बना लेंगे। तो अब हमारा साबूदाना भी अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए फूल चुका है। तो इसमें हम कुछ वेजीज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम और अनियन। अगर आपको और भी कोई वेजिटेबल ऐड करना है तो आप यहाँ पे ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही में ले लिया है मैंने अदरक लहसुन मिर्च को दरदरा कूट के, और आधा चम्मच लिया है जीरा। और अब हम यहाँ पे लेंगे 3 मीडियम साइज़ के आलू। इसे मैंने यहाँ पे बॉईल करके डाला है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मसाला, यहाँ पे मैंने ले लिया है गरम मसाला, इससे फ्लेवर थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा नहीं है तो आप चावल का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बैंडिंग बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने मूँगफली को रोस्ट किया था उसके पाउडर को डाल दिया है। और यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब लिया है चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर दिया है, और 1/2 नींबू का रस ले लेंगे। नींबू का रस टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं चाहते हैं तो नहीं डालें, इससे थोड़ा टेस्ट इन्हांस होता है। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे करी लीफ, करीब 8 से 10 करी लीफ के पत्ते इस तरह से हम छोटे छोटे पीस में चॉप करके डालेंगे ताकि ये खाने में इससे मुँह में ना आए और टेस्ट भी बना रहे। और साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे कोरिएंडर लीफ, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे, ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पोहा, इसे मैंने पानी में थोड़े देर के लिए फुला के रखा था, ये अच्छे खासा फूल चुका है। तो जब भी साबूदाना कम हो तो आप इस तरह से पोहा को ऐड करेंगे, टेस्ट भी बना रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा इसमें पोहा है, क्योंकि पोहा का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास भी साबूदाना कम है तो पोहे को डालकर आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने बॉल्स थोड़ा सा छोटे बॉल साइज़ का ले लिया है यहाँ पर मिक्स, और इसमें हम डालेंगे अब चीज़ क्योंकि हम बना रहे हैं साबूदाना वेज चीज़ रोल, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ को यहाँ पे फोल्ड करके डालेंगे और इसे चारों तरफ से बंद करके हम ब्रेड रोल जैसे बनाते हैं वैसा रोल हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा रोल हो गया है रेडी, इसी तरह से हम सभी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो आज की ये टिप है कि आप जब भी कोई रोल बनाते हैं, ब्रेड रोल या फिर इस तरह से साबूदाना का रोल, तो आपका जब बिखर जाता है तेल में, ख़राब हो जाता है, तो आज का ये टिप्स है कि आप जब भी रोल को तैयार करते हैं उसे आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए, जब वो सेट हो जाए तो उसे फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट और अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल को अच्छा खासा गर्म कर लिया है और इसमें ये देखिए हम सारे रोल को डाल दे रहे हैं एक बार में, जितने जितना कढ़ाई में आएगा सभी को डाल के हम इसे पहले थोड़ा देर के लिए सेट होने देंगे। इसमें जैसे ही हमें हल्का हल्का ब्राउन कलर नीचे से दिखने लगेगा तभी हम इसे एक फॉक से इसे पलटेंगे, हमें पहले तुरंत ही नहीं करना है, ऐसे करने से भी हमारा जो है रोल बिखर सकता है। तो ये देखिए नीचे से थोड़ा सा गोल्डन हो गया है, तो इसे हम धीरे से पलट लेंगे, काफ़ी अच्छा कलर आया है तो सभी को हम पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरे साइड से भी ये काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, सभी साइड से
ये सीख चुका है, तो अब हम इसे निकाल देंगे और बाकी सबको भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आया है, तो अब हम इसे करते हैं सर्व। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी वेज साबूदाना चीज़ी रोल हो गए हैं रेडी। तो आज हम इसे सर्व करेंगे एक बहुत ही अलग सी चटनी के साथ। इस चटनी को बनाने में मैंने इसमें लिया है धनिया के पत्ते, लहसुन, अदरक, मिर्च और सेमदाना मूंगफली को रोस्ट करके। बहुत ही अच्छी चटनी बनी है, तो आप भी इस तरह से साबूदाना का रोल बनाएं और इस चटनी के साथ इन्जॉय करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, कलर भी बहुत काफ़ी अच्छा है। तो आपको मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका चीज़ कितना ही बेहतरीन दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे जल्दी मिलूंगी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।